और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अयोध्या में तीर्थ विकास बाइक रैली के माध्यम से अयोध्या के विकास को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समाज और गरीबों के हित में 8 सालों से किए गए कार्यों की जानकारी घर घर तक पहुंचाने के लिए युवा मोर्चा के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। अयोध्या के रेलवे स्टेशन से सैकड़ों की तादाद में मोर्चे के कार्यकर्ता 10 किलोमीटर की सफर तय कर सूर्यकुंड पर यात्रा का समापन किए। इस दौरान पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। अयोध्या के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सुशासन और समृद्धि के साथ गरीब कल्याण योजना पिछले 8 वर्षों से चलाई जा रही है, तो वहीं अयोध्या के विकास को लेकर भी बहुत सारी योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिसकी जानकारी अभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को सरकार की योजनाओं से जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई। इसी के तहत युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली के माध्यम से जागरूकता रैली निकाली। विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से तौफेल अहमद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सुशासन और समृद्धि और गरीब कल्याण योजना जो 8 वर्षों में चलाई है, उसको 30 से लेकर के 15 तक पूरे देश में अपने संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से अलग अलग योजनाएं सभी मोर्चा पर और मेन बॉडी को दे करके वह समाज को ये बताने का काम कर रही कि मोदी जी ने इस 8 वर्षों में समाज के हित में, गरीबों के हित में क्या काम